आप देख रहे हैं हेडलाइंस डेली एचडी न्यूज। हाय, मेरा नाम है तुषार पांडे और आप देख रहे हैं एचडी न्यूज। हाय, मैं हूँ दीपिका सिंह और आप देख रहे हैं एचडी न्यूज। हाय, मैं हूँ बिंदु धारा सिंह और आप देख रहे हैं एचडी न्यूज। श्री अग्रवाल समाज केंद्रीय समिति द्वारा आपकी समिति आपके द्वार के साथ अग्रसेन जयंती महोत्सव के लिए एयरपोर्ट रोड स्थित अखंड धाम आश्रम में अग्रवाल समाज पश्चिम क्षेत्र के अगुवाई में गुरुवार रात्रि को विशेष बैठक का आयोजन किया गया, जहां 26 सितंबर को निकलने वाले शोभा यात्रा के लिए समाज बंधुओं को निमंत्रण दिया गया। साथ ही शोभा यात्रा में सभी व्यवस्थाओं को लेकर समाज पदाधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी गई। केंद्रीय समिति के वरिष्ठ पदाधिकारियों ने बताया, कोरोना के 2 साल बाद महाराजा अग्रसेन की 5146वीं जयंती को लेकर समाज बंधुओं में खासा उत्साह है। इसी के मद्देनजर प्रतिदिन शहर के अलग अलग क्षेत्रों में अनेक सामाजिक, धार्मिक एवं सेवा कार्य समाज बंधुओं द्वारा किए जा रहे हैं। इन सभी आयोजन के दौरान 26 सितंबर को निकलने वाली शोभा यात्रा के लिए सभी समाज बंधुओं को निमंत्रण भी दिया जा रहा है। आयोजन में समाजजनों की अधिक से अधिक सहभागिता रहे, इसके लिए बैठक में विचार विमर्श हुआ। इस अवसर पर मुख्य रूप से वरिष्ठ समाज सेवी जगदीश गोयल, बाबा श्री राजेश बंसल, पंप कुलभूषण मित्तल, कुकी अरविंद बागड़ी, हरि अग्रवाल, नारायण अग्रवाल, राजेश अग्रवाल, इंजीनियर नितिन अग्रवाल सहित बड़ी संख्या में पश्चिम क्षेत्र अग्रवाल समाज के समाज बंधु उपस्थित थे। और इसके लिए जगह-जगह मीटिंग हो रही है, आज देख रहे हैं कि अखंड धाम आश्रम में मीटिंग हुई पश्चिम क्षेत्र की। क्या कहना चाहेंगे मीटिंग को लेकर, किस तरह उत्साह दिखाई दे रहा है? एक्चुअली में क्या है, ये जो आज मीटिंग हुई है 26 तारीख का जो प्रोग्राम हो रहा है उसके लिए हुई है, लेकिन आज जो मीटिंग हुई है इसके अंदर में करीब 3 साल के बाद में यहाँ मीटिंग हो रही है। उसके अंदर पहले जो मीटिंग हुआ करती थी, जनरली कोई यहाँ समिति के या केंद्रीय समिति के लोग नहीं आते थे, उनको आग्रह किया गया कि आप लोग यहाँ आएंगे तो उसका असर कुछ और ही पड़ेगा। तो वो सारे लोग जो वरिष्ठ लोग हैं वो भी यहाँ पे इस मीटिंग के अंदर आए थे। इसके कारण से हम लोगों ने सब किया कि वरिष्ठ लोग यहाँ पे आ रहे हैं, आपको निमंत्रण देने के लिए आ रहे हैं, ये जहाजवाड़े से यात्रा निकलेगी उसमें सम्मिलित करने के लिए आपको बोलने के लिए आ रहे हैं। इसलिए अपना आप लोगों का फर्ज बनता है, ये अपना दायित्व बनता है कि अपन पश्चिम क्षेत्र के लोग एकजुट होकर के सारे सारे अधिकृत लोग वहाँ पर संख्याएँ पहुँचे वहाँ पर अपनी समाज की जो है ना एकता को, एकजुटता को वहाँ पर जाके प्रदर्शित करें, ये उनका मेन उद्देश्य है। अभी जैसे आजकल जो चला आ रहा है, अभी मैंने देखा है अभी कि जनरली जो अग्रवाल लोग रहते हैं केवल वहीं जाते हैं जहाँ उनको कुछ अपना कुछ दिखता है, अदरवाइज ये लोग नहीं जाते। बहुत बड़ी गलती है, मैं तो सभी लोगों को बोलता हूँ कि यदि एक आवाज़ के ऊपर में अग्रवाल इकट्ठा होता है तो सभी समाज के लोगों को पीछे छोड़ सकता है, जबकि और समाज के लोग या अग्रवालों से सीख करके वहाँ वो सारे के सारे अपने एकता कर रहे हैं और सब प्रोग्राम भी करते रहते हैं, सभी के अंदर अच्छा इंटरेस्ट ले रहे हैं। ये अग्रवाल ये भूल जाता है कि मैंने कुछ चालू किया था उसके बाद में कंटिन्यू नहीं कर पाता, ये सबसे बड़ा माइनस पॉइंट है। ये वरिष्ठों को, उन लोगों को इस पर ध्यान देना चाहिए कि अपन जो बोलते हैं, जो कंटिन्यू करते हैं तो कंटिन्यू करें, ना कि अपन एक साल के लिए कर लिया बीच में एकदम शांत हो जाते हैं। उन्हें हर महीने के महीने इनको कुछ ना कुछ प्रोग्राम ऐसे करना चाहिए जिससे के लिए भूल पाएँ कि हमको दोबारा इकट्ठा होना है। जनरली लोग यही होता है कि अब एक महीने के लिए उन्होंने एक साल के लिए कि साल में एक बार इनको आना है, जितने इकट्ठे हुआ ठीक है, अदरवाइज नहीं होते। यदि हर महीने कुछ ना कुछ करते रहेंगे इसी तरह से, बड़े प्रोग्राम नहीं करें, छोटे छोटे प्रोग्राम एरिया वाइज करेंगे तो उसके अंदर में ज़्यादा स्ट्रेंथ बनेगी, एक ज़्यादा एकता इसके अंदर में आएगी। धन्यवाद। नहीं, इसमें कोई दो मत नहीं है कि अधिक से अधिक लोग जाएंगे। पिछली बार जितने लोग मान लो 25,000 इकट्ठे होते थे, आज उम्मीद है कि कम से कम 50,000 लोग वहाँ पर इकट्ठे होंगे। उसका कारण यह है कि इन लोगों ने अभी जो काफ़ी टाइम से प्रचार किया है कि हम लोग आप लोगों की भी सुनते हैं, ये लोग काफ़ी सुविधाएँ सभी लोगों के दे रहे हैं, सभी तरह की नई नई इन्होंने योजनाएँ चालू की हैं, उससे भी लोग बहुत इम्प्रेस्ड हुए हैं कि अग्रवाल समाज हम लोगों के लिए कुछ कर रहा है। और खासकर ये लोग जो करता है ज़रूरतमंदों के लिए ही करता है, वो सबसे बड़ा इनका प्लस पॉइंट है। पूरे कोरोना काल में संपूर्ण अग्रवाल समाज ने इस शहर के सभी वर्गों के लिए सेवा कार्य किए हैं। उस सेवा कार्य के पश्चात ये जो एक समय आया है जब कोरोना से यह शहर मुक्त हुआ है, तो निश्चित रूप से अग्रवाल समाज ने उस सेवा के उत्सव को मनाने का निश्चय किया है। वो 26 तारीख को संपन्न होने जा रही अग्रसेन जयंती पर जो शोभा यात्रा राजवाड़ा से गांधी हाल तक जाएगी, तो इस पूरे शहर में एक नए उल्लास का वातावरण बना हुआ है। वही वातावरण इस पश्चिमी क्षेत्र में बना हुआ है। और इस बार जो 26 तारीख की शाम को राजवाड़ा से पोद्दार प्लाजा गांधी हाल तक निकलने वाली शोभा यात्रा एक ऐतिहासिक शोभा यात्रा होगी, जिसमें इस शहर का संपूर्ण अग्रवाल समाज भागीदारी होगा और एक नया इतिहास वहाँ गांधी हाल में यह समाज रचने जाएगा। यह प्रण यहाँ पर अखंड आश्रम में
पश्चिमी क्षेत्र के सभी अग्रवाल जनों ने लिया। बात उठती समाज की उपस्थिति कम रहती है, नहीं ये बात जो कहते हैं कि उपस्थिति कम रहती है, ये एक बात उपस्थिति बढ़ाने के लिए रहती है। आज भी अग्रवाल समाज एक आदमी 1.25 लाख के बराबर होता है, एक व्यक्ति कई समाजों को पोषित करता है, कई आवश्यकता जिनको है उन व्यक्तियों को पोषित करता है, ये आप भी जानते हैं। तो निश्चित रूप से अग्रवाल समाज एक व्यवसायी समाज है जो दिन भर व्यवसाय करता है, सातों दिन लगा रहता है, और एक दिन ऐसा होता है जब 26 तारीख को वो एकत्रित होता है और अपने पितृपुरुष के प्रति और महालक्ष्मी के प्रति अपनी श्रद्धा प्रदर्शित करता है। मीटिंगें तो उत्साह को 2 गुना 4 गुना करने के लिए होती है, और इस बार हमने एक नया प्रयास किया है कि जो केंद्रीय समिति के जो पदाधिकारी हैं वो लोग प्रत्येक क्षेत्र में जहाँ जहाँ पर अग्रवाल बाहुल्य लोग रहते हैं वहाँ जाकर सभी अग्रजनों को बुलाकर उनको निमंत्रण दे रहे हैं कि हम अधिक से अधिक तादाद में महाराजा अग्रसेन जी के पर्व पर राजवाड़ा से गांधी हाल तक एकत्र। हम लोग 26 तारीख के लिए शोभा यात्रा के लिए घर घर जाके सभी को निमंत्रण कार्ड देंगे, और 26 तारीख को शोभा यात्रा में शाम को 5 बजे राजवाड़ा पे आने के लिए निवेदन करेंगे, और 25 तारीख को हमारी प्रभात फेरी भी निकलेगी सुबह 7 बजे सीताश्री से नरसिंह वाटी का तक। आज क्या क्या घोषणा हुई है यहाँ पर? आज एक तो जगन्नाथपुरी यात्रा की घोषणा हुई है केंद्र समिति द्वारा जो जनवरी में प्रस्तावित है, उसमें हमारी तरफ से पश्चिम क्षेत्र की सबसे ज़्यादा तादाद 2 बोगी की हमने डिमांड रखी है, और जो जुलूस में भी अपने शोभा यात्रा में भी पश्चिम क्षेत्र से सबसे ज़्यादा संख्या में हम लोग राजवाड़ा पर उपस्थित होंगे।